आज धन्यवाद प्रस्ताव के संदर्भ में मैं खड़ा हुआ हूँ। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि वह पहली बार नए संसद में आकर दोनों सदनों को संबोधित कर रही है। हमारे मन को ये ठेस पहुँची जब हमने ये बातें सुनी, क्योंकि ये सम्मान आदरणीय राष्ट्रपति जी को पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन वर्तमान की केंद्र सरकार ने जब नए संसद का उद्घाटन किया तो महामहिम राष्ट्रपति जी को आमंत्रित करना वाजिब नहीं समझा, और इसीलिए हमें मन को ठेस पहुंची कि ये सदन की शुरुआत पहले ही हो चुकी, लेकिन पहली बार हमने संसद के अंदर आदरणीय राष्ट्रपति जी को देखा। पर अब यही दुख की बात है कि नए संसद में एक नई परंपरा हमको दिख रही है, जो भारत की लोकतंत्र की परंपरा को अवहेलना करती हुई दिखाई दे रही है। आप पिछले ही सत्र का उदाहरण ले ले, पिछले ही सत्र में सदन में बेरोजगार सर बार बार ऐसे इस प्रकार के सदन में हमने देखा 352 राष्ट्रपति महोदय के बातों को उन्होंने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। सर, राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि पहली बार सदन को, दोनों सदनों को संबोधित कर रही है। राष्ट्रपति महोदया साल में केवल एक बार संबोधित करती हैं और वो मौका उनको मिला। अब इसके उद्घाटन में वो आई या नहीं आई, इस तरह से वो डिबेट को जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो राष्ट्रपति का इसको एक्सपेंज करना चाहिए। सर, चेक कर लेंगे। किसी को बोलना है तो बुला लीजिए। सर, इसी परंपरा की हम बात कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष के मंत्री, सत्ता पक्ष के सांसद जब भी उनका मन चाहे खड़े होकर आरोप लगा सकते हैं। और विपक्ष जब अपनी बात रखना चाहे तो हमको चिट्ठी भेजना पड़ता है, हमको रुकना पड़ता है। आज सुबह भी हमने यही देखा कि आदरणीय सांसदीय मंत्री ने एक सांसद जो आज नहीं है, सदन के बाहर उन्होंने कोई वक्तव्य रखा, उस पर उन्होंने मीडिया पर निर्धारित जो कुछ बातें आई उस पर उन्होंने अपनी बातें रखी, पर उस पर हम अपना विद्रोह हम जता नहीं पाए। संसदीय मंत्री बार बार कहते हैं कि जो सदन के बाहर, आप भी कहते हैं जो सदन के बाहर कही जाती है, जो मीडिया के सूत्रों पर आधारित हमें बातें अंदर नहीं रखती, आप ही के निर्देश का उल्लंघन संसदीय मंत्री करते हैं, पर उसके आपके संरक्षण में हम अपनी बात नहीं रख पाते। यही हो रहा है सर। पिछले सत्र में भी जब सदन में कुछ युवा बेरोजगार के नारे लगाते हुए सदन के अंदर घुसे और हमने बात उठाई, हमने जानने की कोशिश की केंद्र गृह मंत्री से कि ये घुसपैठ कैसे हुआ, तो केंद्र मंत्री ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके पश्चात लगभग 142 सांसदों को निलंबित किया गया। सर, ये बहुत ही, आप में भी आरोप लगा रहे हैं, ये संसद की व्यवस्था, लोकसभा की व्यवस्था, इस स्पीकर के कार्यालय का काम है, आप में भी आरोप लगा रहे हैं। सर, चेयर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। सर, बहुत दुख की बात है कि जहाँ पे हमने केंद्र राष्ट्रपति भाषण के विषय पर, नीतियों पे, कार्यक्रम पे बोले सर, आप सर बहुत बहुत दुख की बात है। सर, आप बहुत दुख की बात है सर, आप पहले यहाँ पे सदन पे नहीं थे जब पिछले वक्तव्य बोल रहे थे। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने जितना लंबा भाषण दिया उससे दुगना लंबा इन दोनों ने दिया। सर, उससे दुगना लंबा इन दोनों ने दिया, और किन किन विषयों पे दिया आप नहीं थे सर, आप, मैं आशा करता आप सुनते उस समय। लेकिन हमने पिछले ही सत्र में देखा सर, हमारे संसदीय इतिहास में सबसे ये रिकॉर्ड है कि एक दिन में 146 मेंबर्स को निलंबित करना, ये हमारे संसदीय इतिहास में एक रिकॉर्ड है, और दुनिया में भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं कि एक ही दिन में 146 सांसदों को निलंबित करके 3 दिन में 14 बिल पारित करना, ये रिकॉर्ड है सर, ये रिकॉर्ड है। तो इसीलिए सर, एक महिला सांसद को भी निष्कासित किया गया। तो ये पूरे जो संसदीय जो मर्यादा है सर, बार बार हम देख रहे हैं सर। एक मिनट, आप भी चुको। मैं माननीय सदस्य से अपेक्षा करूंगा कि वो सदन के किसी भी निर्णय पर जो सदन ने लिया है उस पर टिप्पणी नहीं करे तो उचित रहे।
बोले आप, कोई दिक्कत नहीं सर। 2014 के बाद हम इस सदन को लोकतंत्र का मंदिर के तरीके से, लोकतंत्र का मंदिर कहकर हम इस सदन को सम्मानित करते हैं। लेकिन सर 2014 के बाद धीरे धीरे हम एक सुनिश्चित योजना सत्ता पक्ष के द्वारा देख रहे हैं। अब ये सदन या ये संसद लोकतंत्र का मंदिर नहीं सर, ये एक विशेष सम्राट का जीता जागता राज दरबार धीरे धीरे बनता जा रहा है। अब महाराज एक सेकंड आप एक मिनट मानिए, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, आप संसद पर ही आरोप लगाएं, इस संस्था में आप बैठे हैं जिस संस्था का पवित्र सदन है, आप ही सोचें क्या बोल रहे हैं आप। नो एलिगेशन ना, आपने संसद पर सवाल उठाया, पार्लियामेंट के सिस्टम पर सवाल उठाया। नो सर, आप सर मैं अपनी बात रखूं। हाँ हाँ, मैं सदन की मर्यादा और भारत की संसदीय की इतिहास की मर्यादा की संरक्षण में बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ सत्ता पक्ष की सुनिश्चित योजना। क्योंकि जब भी यहाँ पे महाराज जब आते हैं तो सारे सांसद खड़े होकर ताली बजाते हैं, उनका जयकार होता है। जो जिस 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 जिम्मेवारी से हम आते हैं, जिस जिम्मेवारी से हम आते हैं सर, वो जिम्मेवारी को हम भूल जाते हैं। और महाराज भी आते हैं, कुछ क्षण बैठते हैं और फिर वो चले जाते हैं, विदाई देते हैं और एक भी सवाल का उत्तर नहीं देते। सर इससे पहले भी सदन में और इस संसद में बहुत से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोले ना माननीय आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति में बोले, इस संसद की बात कर रहे हैं, संसद में बोले, संसद के इतिहास की बात कर रहे हैं सर। इस संसद के इतिहास में बहुत से प्रधानमंत्री आए हैं, सभी प्रधानमंत्री ने अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रश्नों का उत्तर दिया। लेकिन हमने शायद पहली बार हमने एक महाराज को देखा जिसने 5 साल में किसी भी विभाग का प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। गलत सर, ये ख्वाहिश हो सकती है सर, ये उनकी व्यक्तिगत ख्वाहिश हो सकती है कि भारत की लोकतंत्र को राजतंत्र में परिवर्तित कर दे, ये उनकी व्यक्तिगत ख्वाहिश हो सकती है। लेकिन उनकी व्यक्तिगत ख्वाहिश में विपक्ष अटकलें डालेगा। आज हम सदन में हम देखें सर, रिकॉर्ड पे देखें, आज इसी सदन में हमने देखा कि पिछले सत्र में जब विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया था तो 14 बिल 3 दिन में पारित हुए। अभी तो शुरुआत हुई है, धैर्य रखिए, 2 घंटे से हम आपकी बातें सुन रहे हैं, अब आप भी सुनने का धैर्य रखिए। 2 घंटे से हम सब बैठे हुए हैं, अब हमारी बारी है और सुनने का धैर्य रखिए। 2 घंटे से हम सुन रहे हैं, अब माननीय सदस्य प्लीज बोलना की शक्ति है। माननीय सदस्य प्लीज, आप नीतियों पर कार्यक्रम पर कितनी भी तीखी आलोचना करो, लेकिन सदन के निर्णय पर मैंने पहले भी कहा था, आप सब वरिष्ठ लोग बैठे हैं, सदन के निर्णयों पर उंगली नहीं उठाएं। ना ना, सदन के निर्णय पर उंगली नहीं उठा सकते आप, नो उठा सकते हैं। अभी तक सर आप बताइए, 71 सर, रूल 371, समय पूरा दीजिएगा सर, 371 समय पूरा दीजिएगा सर, स्पीकर के जो डिसीजन है सर, इस हाउस का जो डिसीजन है सर, इसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं हो सकती है, कोई भी आरोप नहीं लग सकता। 378 यही कह रहा है सर, और 378 के हिसाब से सारा एक्सप्लेन करिए सर। भाजपा के दूसरे वक्ता ने देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पे आरोप लगाया और कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं रोका गया, महिलाओं पर आपत्तिजनक बातें की गई, रोका नहीं गया। तो सर मैं बस तर्थ आपके सामने रख रहा हूँ, मैं तर्थ आपके सामने रख रहा हूँ कि इस 17वीं लोकसभा में आउट ऑफ 172 बिल्स 64 बिल्स हैव बीन पास्ड विद लेस देन 1 आवर ऑफ डिस्कशन। दिस लोकसभा, द करंट लोकसभा, इट विल फिनिश इज 5 years विदाउट द पोजिशन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर बींग एलोकेटेड टू अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन। दिस 17th लोकसभा इन द हिस्ट्री ऑफ लोकसभा of India who have completed 5 years will show the least number of sittings when it ends on Feb 9th. महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण बोल रहे हैं, संसद में बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आप धन्यवाद, लोकसभा में ये जो सुनिश्चित योजना है और आप लोकतंत्र को खत्म करके भी बोल रहे हैं, पीठ पे भी बोल रहे हैं, राजतंत्र को कायम बनाना, स्पीकर के राजतंत्रों को की जो एक परंपरा यहाँ पे स्थापित करने की कोशिश सत्ता पक्ष कर रही है, इस राजतंत्रों को बनाने में भ्रम एक विशेष अस्त्र इनका होता है। भ्रम बहुत जरूरी है
लोगों को भ्रमित करने में, और सर इसमें तो ये माहिर है, ये सरकार तो सर इवेंट मैनेजमेंट में डॉक्टरेट है, और लोग कहते हैं इवेंट मैनेजमेंट, मैं कहता हूं अटेंशन मैनेजमेंट। ये अटेंशन मैनेजमेंट में ये इन्होंने पीएचडी की है कि कैसे लोगों का ध्यान भटकाया जाए। हम कहते हैं कि मणिपुर में प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, 190 लोगों की मृत्यु हुई, 50,000 लोग बेघर हुए, वो कहते हैं G20 देखो, प्रधानमंत्री पेरिस में है वो देखो। हम कहते हैं कि नोटबंदी में 100 लोगों की मृत्यु हुई, कौन इसका जिम्मेवार है, वे कहते हैं कि इश्तिहार में पेटीएम का इश्तिहार आया है, उसमें मोदी जी का चेहरा है, आप वो देखो। हम कहते हैं कि चाइना आज हमारे जमीन पे कितना घुस आया है, चीन हमारे लद्दाख के किसानों के साथ मुठभेड़ कर रहा है, ये कहते हैं कि आप देखो कि मॉल्डीव्स की तुलना में हम कितने ताकतवर है। हम कहते हैं कि अडानी पे सारे कोयला फैक्ट्री चला गया है, ये राहुल गांधी जी को निष्कासित कर देते हैं। किसान कहता है कि हर वर्ष मेरा किसान भाई लगभग 10,000 किसान आत्महत्या होर कर रहा है, युवा कह रहा है कि हम बेरोजगार हैं, महिला कह रहे हैं कि हम महंगाई से मर रहे हैं, आज आर्थिक असमानता बढ़ रही है, गरीब और गरीब, अमीर और अमीर हो रहा है। आज हमारे देश के 10% लोग 50% धन संपत्ति के मालिक है, और ये कहते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो ये जो भ्रम का इस्तेमाल करते हैं लोगों के समस्याओं पर पर्दा डालने का, लोक शक्ति को कमजोर करने के लिए ये भ्रम का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को एक माया जाल में फंसाकर राजा को ताकतवर बनाने का आज ये काम ये करते हैं। सर मैं आदर करते हुए, प्रधानमंत्री जी एक साधारण घर से आते हैं, उनका मैं आदर करता हूं, और वो बहुत ऊंचाई तक पहुंच गए हैं, लेकिन दुख की बात यह है सर कि आज उन्होंने अपना सिंहासन इतनी ऊंचाई पर बना दिया है कि जमीन पर लोगों की समस्या आज उनके कानों तक पहुंचती नहीं है, बेरोजगार युवाओं के जो आंसू है उनको दिखाई देती नहीं, वो इतनी ऊंचाई पर है सर कि आज जब युवा कहता है कि मैं शिक्षित हूं, लेकिन 25 वर्ष के आयु से कम जो ग्रेजुएट है उसमें से लगभग 42.3% ग्रेजुएट बेरोजगार है, ये उनके ऊंचाई तक उनके कानों पर नहीं पहुंचती। नौकरी की तलाश में सर आज हमारा युवा आज अवैध रूप धारण करके आज अमेरिका जा रहा है सर। हमने कुछ ही दिन पहले देखा कि कैसे 303 लोगों ने प्लेन चार्टर करके निकारागुआ तक गए, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अमेरिका में जाए, कि वो रोजगार के तलाश में, नौकरी के तलाश में। आज ये है, हमने ये कुछ दिन पहले डुंकी एक पिक्चर आई, डुंकी सिर्फ पिक्चर नहीं है सर, डुंकी आज सच्चाई है। पिछले 5 वर्ष में सरकार ने खुद कबूल किया है कि अमेरिका में अवैध रूप से भारतीय नागरिकों का जाना पिछले 5 वर्ष में बढ़ चुका है, लगभग 2022-23 में लगभग 90,000 भारतीय लोगों ने अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश की, कभी कनाडा के बॉर्डर पे, कभी मेक्सिको के बॉर्डर पे। वो कितने मजबूर होते हैं सर कि अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर वो कभी रोजगार के तलाश में कभी UAE जाते हैं, कभी कनाडा जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं। आज ये है आर्थिक स्थिति, लेकिन आज महाराज इतनी ऊंची सिंहासन पर बैठे हैं आज ये उनको दिखती नहीं है। सर कितनी गरीब की, बहुत दुख की बात है कि मानव तस्करी आज कितनी बड़ी समस्या हो गई है आदिवासी गांवों में, उत्तर पूर्वांचल के गांवों में। आज गरीब परिवारों का फायदा उठाकर मानव तस्करी करने वाले लोग जाते हैं और कहते हैं कि आप बेटी हमारे हमारे बेटी का हमें दायित्व दो, अपने घर के महिलाओं का दायित्व हमें दो, और मानव तस्करी के ये लोग आज उन बेटी पर शोषण करते हैं, आज उन महिलाओं पर शोषण करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम, और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्यों है, क्योंकि लोग आज गरीब हैं, लोग आज बेसहाय हैं, और ये है वास्तविक स्थिति। आज सर हमारे सेना का जवान पूछ रहा है कि 4 साल बाद मेरा क्या होगा, अग्निवीर की योजना किसने बनाई, मैं कहाँ जाऊंगा, अग्निवीर की योजना तो सेना के अंदर से ये नीति नहीं आई, कौन है वो बाहर का विशेषज्ञ जिसने अग्निवीर की योजना बनाई। मेडिकल का छात्र आज ये बार बार ये कहते हैं कि हमने बाहर से हमने छात्राओं को हमने बचाया, लेकिन बाहर जाने की अवसर क्यों पड़ी, मेडिकल कॉलेज की ये बात करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है सर कि आज अगर देश के अंदर एक मेडिकल के छात्रों को अगर पढ़ना है तो करोड़ों रुपए उसको फीस देना पड़ता है, करोड़ों रुपए नहीं है उसके पास, इसलिए वो आज फिलीपींस जाता है, कजाकिस्तान जाता है, यूक्रेन जाता है,
रशिया जाता है, चीन जाता है, क्योंकि वहां पर वही जो करोड़ों रुपए यहां पे जो देने पड़ते हैं मेडिकल कॉलेज में, वो वहां पे लाखों रुपए देकर वो अपना एमबीबीएस डिग्री लेके आता है। यह है वास्तविक स्थिति। महिलाएं आज पूछती है कि जब भी भारत की बेटी अन्याय के खिलाफ लड़ती है तो वो क्यों अकेली लड़ती है, क्यों बिल्किस बानो अकेली लड़ती है, क्यों बिल्किस बानो के संदर्भ में एक विशेष राज्य सरकार उनके बलात्कारियों का पक्ष लेती है। महिला खिलाड़ी पूछती है कि मैं लड़ सकती हूं, मैं लड़की हूं, लेकिन मेरे साथ तो कोई रहे, क्यों मैं अकेली पड़ गई हूं, कहां है वो व्यक्ति जो आज जब मैं पदक जीतती हूं तो मेरा स्वागत करते हैं, लेकिन आज मैं दिल्ली के सड़कों में मैं धरना दे रही हूं पर आज मैं अकेली हूं। क्यों आज बेटी अन्याय के खिलाफ अकेली है? किसान पूछ रहा है कि आज हर किसान पर लगभग 70,000 का कर्ज उनपे है, एमएसपी को उनका कानूनी सुरक्षा नहीं मिली, प्याज का किसान आज देख रहा है कि उसको जो उचित मूल्य मिल रहा है चाहिए वो नहीं मिल रहा। किसान बोल रहा है, न्याय की मांग कर रहा है। आप लाभार्थी की बात करते हो, सर आज तो भ्रष्टाचार ऐसे हो चुका है कि लाभार्थी टैक्स एक नया शुरू हो गया है, एक लाभार्थी टैक्स। अगर आवास योजना का घर चाहिए तो पहले लाभार्थी टैक्स दो, अगर पीएम किसान में अपना नाम अगर शामिल करना है तो लाभार्थी टैक्स दो, अगर उज्ज्वला में सिलेंडर कनेक्शन चाहिए तो लाभार्थी टैक्स दो। ये है वास्तविक स्थिति, लेकिन इस स्थिति को लेकर कोई बात नहीं करते, कोई यहां पे इन्वेस्टिगेशन नहीं। क्यों क्यों पहले पीएम किसान संपदा में 11 करोड़ लोगों को पीएम किसान मिलता था, वो 11 करोड़ से 3 करोड़ क्यों आया, क्यों घटाव हुआ, क्या कितने सारे फर्जी वहां पे लाभार्थी थे, क्या उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ? कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, सारे चीजें भूल जाते हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचार गायब हो गया। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आपके लाभार्थियों के वितरण में हो रहा है। आज सर मैं खुश हूं कि जनता जागरूक हुई और विपक्ष आज जनता के इस जागरण को स्वागत करती है। आजादी की लड़ाई भी एक जन आंदोलन था और आज भी अगर राजतंत्र से आजादी पानी है तो विपक्ष देश के जनता के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। महाराज को यह पसंद नहीं, महाराज विपक्ष को कमजोर करना चाहता है, इनकम टैक्स के अफसर भेजते हैं, ईडी का अफसर हमारे पास आता है, सीबीआई हम पर आता है। मैं महाराज से यही कहना चाहता हूं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। आप चाहे जितनी भी सरकार गिरा लो, आप चाहे जितनी भी सरकार परिवर्तित कर लो, बिहार में अगर सरकार बनानी है तो रातों रात मुख्यमंत्री का इस्तीफा और रातों रात उनका शपथ ग्रहण होता है, लेकिन झारखंड में हमारा पास बल है, झारखंड के पास हमारे ताकत है, लेकिन हमको 10 दिन का हमको इंतजार करना पड़ता है। मतलब बिहार के लिए नियम अलग और झारखंड के लिए नियम अलग, इस प्रकार की बातें आज हम कर रहे हैं। सर अगर अगर इनके खिलाफ हम लड़े, अगर इनके खिलाफ हम लड़े तो हमें जेल भेजा जाता है, और अगर इनके साथ शामिल हो जाते हैं तो महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अगर इनके साथ हम लड़े तो हम पे शारदा का टैक्स लगता है, अगर इनके साथ हम जुड़े तो असम में मुख्यमंत्री मैं जानते हैं। ये है सर वॉशिंग मशीन। हम डरेंगे नहीं, हम अपना फर्ज निभाते रहेंगे, हम भारत को जोड़ेंगे, हम नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, पिछले वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जातिगत जनगणना की लड़ाई हम लड़ेंगे, हम अनुसूचित जाति जनजाति जिनके लिए आज केंद्र विश्वविद्यालयों में केंद्रीय सरकारों में लगभग हजारों के तादाद पे पद खाली हैं, आज उन केंद्र विश्वविद्यालयों में उन केंद्र सरकारों में अनुसूचित जाति जनजाति का स्थान हो, उनको अपना हिस्सा मिले, हिस्सेदारी की लड़ाई हम लड़ेंगे। हम लड़ेंगे उन युवाओं के लिए, वो लगभग 1.5 लाख युवा जिन्होंने सेना के भर्ती के लिए पूरी परीक्षा पार कर ली लेकिन आज भी वो सेना में भर्ती नहीं हुए, हम उनके मुआवजे के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। हम लड़ाई लड़ेंगे जम्मू कश्मीर के लिए ताकि उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा मिले और निर्वाचन दोबारा हो, लोकतंत्र की स्थापना वहां पे हो। हम लड़ेंगे आंध्र प्रदेश के लिए, For Andhra Pradesh, we gave a special category status. We promised them, and today again, repeatedly, the Prime Minister has been betraying the people of Andhra Pradesh and denying them the rightful special status. We, the Congress Party, want special status for Andhra Pradesh. हम लड़ेंगे असम के वो 6 समुदाय के लिए, जाहुम, मोरान, मोटा, कुछ, राजबंशी, सुतिया, आदिवासी जो हैं,
जो जनजाति की मांग कर रहे हैं, हम उनके साथ हम रहेंगे, हम लड़ेंगे महिलाओं के लिए जो महंगाई से राहत चाहते हैं, हम भारत के संविधान के लिए लड़ेंगे। इस भारत के संविधान में सर लिखा है हम, इसमें मैं नहीं लिखा है, इसमें कोई एक व्यक्ति की दिव्य शक्ति नहीं लिखी है, इसमें भारत की लोक शक्ति का उदाहरण है। इसमें लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र आत्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय स्वतंत्रता समता और बंधुता में बढ़ाने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। ये है इस संविधान के प्रति, क्योंकि देश सर किसी व्यक्ति के दिव्य शक्ति से नहीं, देश संविधान से बनता है, देश आम नागरिकों से बनता है, देशवासियों से देश बनता है। तो सर हम लड़ेंगे इस भारत के संविधान के लिए, हम लड़ेंगे वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति के लिए, हम लड़ेंगे गंगा जमुना के तहजीब के लिए। सर बहुत दुख होता है सर, आज आपके पहले भी सरकारें थी, आपके बाद भी सरकारें आएंगी, लेकिन सर शायद हमने पहली बार ऐसा देखा है कि भारतीय होने का गर्व सत्ता पक्ष सिर्फ सत्ता के मापदंड से देखती है। जब 2014 से पहले इनके पास सत्ता नहीं थी तो उनको भारतीय होने का शर्म होता था। प्रधानमंत्री जी दक्षिण कोरिया में जाकर कहते हैं कि 2014 से पहले भारत में जन्म लेना शर्मनाक बात थी। कितनी अफसोस की बात, आप देख लीजिए सर, मैं रिकॉर्ड पे डाल दूंगा, कितनी अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। लेकिन मैं संयुक्त राष्ट्र में, लेकिन सर संयुक्त राष्ट्र में देश के विदेश मंत्री ने क्या कहा, मैं वो पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने कहा, मैं आप इस सदन में प्रधानमंत्री सदन के नेता होते हैं, हम कोई भी टिप्पणी कोई भी बात कहें तो बिना प्रमाणित तथ्यों के सदन में, सदन की गरिमा आप उनको बनाए रखना चाहिए। सर आपका सम्मान करते हुए, और आप मुझे भी जानते हैं कि मैं कोई भी बातें बिना तथ्य के बिना सबूत के नहीं रखता, ये आपके प्रति मेरा आदर है। सर मैं आपके आदर करते हुए, ये लोग जो 2014 से पहले भारतीय होने का गर्व नहीं महसूस करते, मैं आपके ही विदेश मंत्री का बातें जो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में कहा था वहां पे मैं कहना चाहूंगा। पाकिस्तान को संबोधित करते हुए कहा कि 70 वर्ष उन्होंने कहा पाकिस्तान को संबोधित करते हुए कि 70 वर्ष के दौरान भारत में बहुत सारे राजनीतिक दलों की सरकारें बनी, लेकिन सभी ने विकास की गति को जारी रखा। हमने विश्व प्रसिद्ध इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनाए और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जैसे बड़े अस्पताल बनाए, लेकिन आपने क्या बनाया, आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए, टेररिस्ट कैंप बनाए। हमने स्कॉलर्स पैदा किए, इंजीनियर्स पैदा किए, डॉक्टर्स पैदा किए, आपने क्या पैदा किया। ये जो 70 वर्ष का जो विवरण किया है, ये आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने विदेश मंत्री के पद पर रहते हुए भारत की गरिमा को उन्होंने सुरक्षित रखा। और कितनी अफसोस की बात है कि आप 2014 से पहले भारत के प्रति आपके कोई गर्व नहीं महसूस करते। सर हम भारत के होने का हम गर्व महसूस करते हैं, 2014 के पहले भी, आज भी जब हमारे पास सत्ता नहीं, आज भी हम भारतीय होने का हम गर्व महसूस करते हैं और हमेशा हम करते रहेंगे। लेकिन सर मैं अंत में ज़्यादा समय ना लेते हुए बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम की कुछ पंक्तियाँ कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूँगा। त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम नमामि, कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। भारत कब विकसित होगा, ये कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था या कोई विशेष व्यक्ति नहीं, भारत तब विकसित होगा जब हम संविधान के अनुसार सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सबको मिलेगा। भारत तब विकसित होगा जब विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सबको मिलेगी। भारत तब विकसित होगा जब प्रतिष्ठा और अवसर की समता सबको मिलेगी। तब जाके जब भारत का हर नागरिक ऐसा महसूस करेगा, तब जाके हम भारत के प्रति हम न्याय करेंगे। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि हम अपने लड़ाई, भारत की लड़ाई, भारत जोड़ने की लड़ाई, भारत के नागरिकों के आम
न्याय की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, हम डरेंगे नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। टी आर बालू जी।